हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्किन केयर टिप्स। तो आप लोग भी घर बैठे बैठे अपनी स्किन को अच्छे से करियन जैसे गोल्डन ग्लो कर सकते हैं। तो कैसे करूँगी, तो वही मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ। तो मैंने लिया है ग्लोबस का नेचुरल गोल्डन पील ऑफ मास्क। तो गोल्डन ग्लो देता है, विटामिन ई है यहाँ पर, तो ब्राइटनिंग रेडियंस सब कुछ है। तो इसकी दाम मैं कह देती हूँ 249 है, 75 ग्राम है, 75 ग्राम। तो मैं लगा रही हूँ, तो आप लोग जब भी ये मास्क लगाए पील ऑफ मास्क, तब आप लोग अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना फेस वॉश से। तो मैंने क्लीन किया है मेरे फेस को नीम फेस वॉश से। तो आप लोग जो यूज़ करते हैं वही आप लोग क्लीन कर सकते हैं लगा कर। तो मैंने क्लीन कर लिया था मेरे फ्रेश, तो अब मैं लगा रही हूँ। तो मैं मेरे मिरर नहीं लिया था, आईना मेरे पास नहीं है, तो मैं मोबाइल देख देख कर ही लगा रही हूँ। तो मेरे भाई को कह रही थी, तो मेरे साइड पर बैठी थी, तो उसको मैं कह रही थी कि मुझे मिरर ला दो, तो जा रही है लाने के लिए। तो मैं इसकी प्रॉब्लम मैं कहती हूँ, जब मैं लगा रही थी तो आप लोग ऑरेंज तो खाते हैं, ऑरेंज की जो साल है ऊपर का बकला है जो आप लोगों के आँखों में जाता है, नाकों में जाता है, तो जलता है ना, तो एक पील ऑफ मास्क ऐसा ही है। तो मैं जब लगा रही थी तो मेरे आँखों में पानी आ गया था, नाक भी जल रही थी। तो प्रॉब्लम नहीं होता है, बट बहुत लोगों की साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो मेरे तो साइनस का प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी। तो कोई बात नहीं है, माने आप लोग लगा सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके अच्छे गुण मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप लोग ये पील ऑफ मास्क लगाए, नीचे से लगाए, मुंह के नीचे से लगाए, तो मैं लगा रही थी, तो मेरे भाई को पठा दिया था मिरर लाने के लिए, क्योंकि मैं मोबाइल देख देख कर इतने मुझे माने मालूम नहीं आ रही थी। तो मैं ये तो ब्लॉक कर रही थी, बट मैं जो मोबाइल जहाँ पर रखी थी वहाँ पर मैंने मोबाइल को माने ऐसे रखा, तो इसीलिए अच्छे से हो रही थी ब्लॉक। तो मैंने स्टैंड पर नहीं रखा था पहले, तो मैंने सोचा कि शॉर्ट से कर लेती हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को ऐसे देख रही है। तो जो भी है, मेरे भाई ने मिरर लाके दिया है मुझे, तो मैं अच्छे से अब लगा रही हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से लगाना पड़ता है, आप लोग जब ही लगाए तो हेयर पर एक बैंड लगा लेना। तो मेरे पास बैंड नहीं था, तो इसलिए नहीं लगाया था। तो आपके हेयर पर जो फेशियल हेयर होती है, बहुत लोगों की फेशियल हेयर होती है, बहुत लोगों की फेशियल हेयर नहीं भी होती है, तो मेरे फेशियल हेयर बहुत है। मैं जब भी लगाती हूँ तो मेरे फेशियल हेयर पर प्रॉब्लम आती है। तो मैंने पहले चारकोल पील ऑफ मास्क यूज़ किया था, वो मुझे बहुत ही अच्छा सूट किया था, और मेरे जो फेशियल हेयर है वो रिमूव होता था, और बहुत ही अच्छा मुझे इफेक्ट था। तो ये मैं नया लाया था ग्लोबस का नेचुरल गोल्डन पील ऑफ मास्क। वो पील ऑफ मास्क, चारकोल का पील ऑफ मास्क मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा नया कुछ ट्राई करती हूँ, इसलिए मैं ये लाया था। तो एक बार मैंने यूज़ किया था, तो एक बार यूज जब किया था आप लोगों के साथ शेयर किया था बेंगली चैनल पर किया था। तो जो भी है पे मैं लगा लिया था अच्छे से। देखिए आप लोग जब भी फेस पर कुछ पील ऑफ मास्क लगाए या मास्क लगाए, तो बात मत करना 15 मिनट तक, क्योंकि आपके फेस पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने अच्छे से लगा लिया है, तो मैं सोचा कि नीचे से भी लगा देती हूँ, और मेरे हेयर बहुत है माने फेशियल हेयर। तो आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ, मैंने तो इसे पहले भी यूज़ किया है, मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ, बट फेशियल हेयर जो है मेरा, वो फेशियल हेयर रिमूव नहीं करता है। तो आपके फेस पर गोल्डन ग्लो लाता है, बट फेशियल हेयर रिमूव नहीं करता है। जो आपके फेस पर फेशियल हेयर होती है उसे गोल्डन कर देते हैं, इसीलिए आपका फेस गोल्डन ग्लो करता है। तो आप लोगों को मैं रिजल्ट दिखाऊंगी, आप पास आकर मैं लगा लिया है। तो 15 मिनट तक मैं रुकूंगी, 15 मिनट बाद आप लोग चेक करना कि सूख गया क्या नहीं। तो सूख गया है था, 15 मिनट के बाद आया है। तो मैं अब अच्छे से पील अप करूँगी, तो नीचे से करना। आप जब भी पील ऑफ मास्क कोई लगाए तो नीचे से पील करना। तो मैं नीचे से कर रही हूँ पील ऑफ, और मेरे हेयर, मेरे फेस पर तो बहुत हेयर है, तो मुझे तकलीफ तो होगी, क्योंकि हेयर पर लगी है तो जो बहुत चूट आता है। तो हेयर तो रिमूव नहीं होता है, बट हेयर पर लगी हुई है तो आप लोग तो जानते हैं, छोटे छोटे हेयर पर कुछ लग जाए तो तकलीफ होती है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से ही करना।
तो अब मैं पिलअप कर रही हूँ, आप लोगों के सामने मैं रिजल्ट शेयर करूँगी। मैं जब रिमूव कर रही थी थोड़ा बहुत तकलीफ हुई है, हेयर पर लगी थी इसीलिए। तो देखिए मेरा फेस बहुत ही क्लीन हुआ है, आप लोग खुद ही देखिए। तो मैं तो अभी तक क्लीन भी नहीं किया है पानी से। तो आप लोग जब भी पिलअप मास्क लगाए, कुछ भी मास्क लगाए, तो पहले आप लोग फेस वॉश से क्लीन कर लेना। बाद में जब आप क्लीन करेंगे तो प्लेन वाटर से ही क्लीन करना। अब मैं प्लेन वाटर से क्लीन करूँगी, तो मेरे हेयर पर जो भी थोड़ा बची है तो प्लेन वाटर से मैं रिमूव कर दूँगी, क्योंकि उसे उठा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हेयर पर लगी है थोड़ा तकलीफ हो रही थी इसीलिए। तो मेरा फेस बहुत ही क्लीन हुआ है, आप लोग खुद ही देख रही है। तो मैं पानी से जब क्लीन करके आऊँगी, आप लोग खुद ही देखना, गोल्डन ग्लो देता है बहुत। तो आप लोगों के सामने मैं दिखाती हूँ, मैं आँच से क्लीन करके आती हूँ। मैं क्लीन करके आ गई हूँ, देखिए आप खुद ही आप मेरे फेस कितना ग्लो कर रही है, बहुत ही सॉफ्ट और गोल्डन ग्लो कर रही है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना। बाय बाय।